व्यक्ति आत्मविश्वास में है, वो तो ऐसे बस नंबर्स बोल रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई ऐसा दो बार से लगातार अपने दम पर बहुमत ला रही है बीजेपी, और एनडीए भी काफी आगे है, नीतीश कुमार भी उधर चल गए हैं। सिर्फ महाराष्ट्र में इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि वहां शिंदे गुट है वर्सेस उद्धव ठाकरे, अजित पवार गुट है वर्सेस शरद पवार गुट, लेकिन वो एक टारगेट तो सेट कर रहे हैं। आपका तो टारगेट ही नहीं पता चल रहा है रोहन जी, किन स्टेट से आप लाएंगे स्पष्ट बहुमत, और अगर स्पष्ट बहुमत लाएंगे तो बाकियों के साथ अलायंस। मैं जवाब दे दूं, मैं आकर देखिए, बिल्कुल आपने अच्छा सवाल पूछा और मैं हवा पानी वाली बात नहीं करूंगा, मैं रियलिस्टिक बात करूंगा। देखिए यार, प्रधानमंत्री जी ने एक आंकड़ा दिया, उस आंकड़े में दो विरोधाभास है। आज की अगर भाजपा की स्ट्रेंथ देखें, 290 सीटें उनकी है लोकसभा में, ठीक है, और अगर प्रधानमंत्री जी ने 370 किया है तो पहले सवाल तो उनको आना चाहिए कि 80 सीटें कहां से आएगी, क्योंकि जिस हिसाब से हिंदी हार्टलैंड में उनकी सीटें आई थी, कहीं पे कोई स्कोप नहीं बचा तो 80 सीटें कहां से आएगी। दूसरी बात, उन्होंने कहा एनडीए का टारगेट 400, अब मैं जो आपकी एनडीए की पार्टियां हैं, मेरी बात खत्म करने दीजिए, 400 सीटें अब एनडीए के जो पार्टी उनके लिए खतरे की घंटी बता रहा हूं मैं, अगर आज एनडीए की जो पार्टियां इनके साथ है उनकी सीटें गिनता हूं तो 47 सीटें हैं, मतलब मोदी जी ऑलरेडी उनको 17 सीटें कम कर चुके हैं। साथियों, नीतीश जी जितने भी साथी गए हैं तोड़ मोड़ के डर से, जरा समझ लीजिए, और ऐसी 22 पार्टियां हैं जिनकी एक भी सीट नहीं है, तो अगर मैं उनकी एक एक भी सीट गिनता हूं, मैं आ रहा हूं, मैं मेरी बात पे आ रहा हूं, बोलने दीजिए, सुनिए, आप बीच में मत बोलिए शाजिया जी, इतनी घबराहट ठीक नहीं है, आप थोड़ी सी सेंसिबल है, आपसे अपेक्षा करता हूँ। अगर मैं 400 सीटें गिनता हूँ, 30 सीटें एनडीए की हैं, 22 पार्टियां हैं, तो अगर मैं 52 सीटें भी गिनता हूं तो एनडीए का टारगेट प्रधानमंत्री जी ने कम कर दिया। अब मैं आ रहा हूं कांग्रेस पार्टी पे। अंजना जी, हम लोग बिहार की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तेलंगाना की बात करें, कर्नाटका की बात करें, बंगाल की बात करें, ये ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे करीब 185 शाजिया जी आवाज नहीं जा रही है, आई एम सॉरी, मुझे आपको म्यूट करना पड़ रहा है, एक सेकंड सर, 152 शाजिया जी प्लीज म्यूट करना पड़ रहा है क्योंकि दो लोग हैं और आप स्काइप पे भी हैं, आपकी आवाज आएगी तो फिर ऑडियो में प्रॉब्लम होती है, प्लीज प्लीज बेवतास, हम लोग आज तक पे शाउटिंग मैच नहीं करते हैं, मैं आपको मौका दूंगी, मेरा वादा है, पर उनको पूरा करने दीजिए। रोहन जी, 185 में से 152 सीट अंजना जी कई लास्ट बार भाजपा की थी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन्हीं राज्यों में भाजपा का कम से कम 100 सीटों का नुकसान मुझे आज की डेट में दिख रहा है, और जो इंडिया गठबंधन है उसका फायदा दिख रहा है। तो मैं ये अहंकार की बातें नहीं करूंगा, जनता जनार्दन है, हम किसानों के मुद्दे पे, युवाओं के मुद्दे के, महंगाई के मुद्दे के, बेरोजगारी के मुद्दे पे जनता को साथ में लेके चलेंगे, पर मुझे विश्वास है कि जो सरकार है वो इंडिया गठबंधन की बिल्कुल बनेगी, किसी अहंकार के साथ में मैं अब की बार इतना पार ये करके जनता के विवेक का अपमान मैं नहीं करना चाहूंगा, पर भाजपा जो अहंकार के साथ आज चल रही है जी, कि हमने एक माहौल बना दिया है कि हम कुछ भी गुनाह करें जनता हमको 400 पार करेगी, ये अहंकार जनता चकनाचूर करेगी, और इंडिया शाइनिंग का जो हाल हुआ था यही गुब्बारा इस बार फूटने वाला है, मार्क माय वर्ड्स अंजना जी, जनता अलग तरीके से सोचती है। आपका किसानों के लिए आप किल विचार है, कौन से मुंह से 400 पार बोल रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, कौन से मुंह से आप 400 पार बोल रहे हैं, मणिपुर जैसा राज्य आज भी आपका जल रहा है, कौन से मुंह से 400 पार बोल रहे हैं, आज भी कश्मीर में हमारे जो सैनिक है शहीद हो रहे हैं, कौन से मुंह से आप 400 पार की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में आज भी नक्सली हमले हो रहे हैं, कौन से मुंह से आप 400 पार की बात कर रहे हैं, महिला सुरक्षा में आज भी देश पिछड़ रहा है, कौन से मुंह से 400 पार की बात कर रहे हैं, गरीबी के आंकड़े की बात कर रहे हैं, आज देश 125 देश में पीछे चला गया, कौन से मुंह से आप आंकड़े 400 की बात कर रहे हैं, कौन सी गारंटी की बात कर रहे हैं, कौन सा वादा पूरा किया है शाजिया जी, अब आप जवाब दीजिए, ठीक है, अब रोहन जी रुक जाइए, अब आपकी बारी हो गई, अब शाजिया जी आप जवाब दीजिए, एक तो उनके प्रश्नों का सुनिए, सवाल तो सुनिए उनके प्रश्नों का, पिछली बार 8 राज्य जहां पर आपको 100% सीट्स आई थी, जिसमें गुजरात था, जिसमें हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, गोवा, जम्मू, और वैसे ही 90% प्लस आपकी परफॉर्मेंस रही थी बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ऐसे राज्यों में, मतलब एक तो चैलेंज रहेगा उसको बरकरार रखना, उसके बाद जहां पर गुंजाइश बनती भी दिखती है वहां पर इतनी सीटों का 67 सीटों की उछाल, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, ये कैसे होगा जी, कौन से राज्य कहां पर होगा? पहले मैं आपकी बात का जवाब दूंगी, फिर रोहन जी की बात का जवाब दूंगी, ठीक है। जैसे कि आप बता रही थी और आप दिखा भी रही थी कि इन 12 राज्यों में अभी 40% स्ट्राइक रेट है और 57 की जरूरत है, मैं आपको बता दूं और मैं आश्वस्त आपको करना चाहती हूं कि जिस तरह से माहौल है, जिस तरह से मूड है, जिस तरह से लोगों की भावना इस वक्त है, वो पूरी तरह से 60% से भी ज्यादा स्ट्राइक रेट होगा उन राज्यों में जहां पे 40% रेट है, स्ट्राइक रेट है। तो हमें लगता नहीं किसी भी तरह से हम
पीछे रहेंगे। लेकिन रोहन जी की बात सुनी आपने, उनसे पूछा कि आपका क्या नारा होगा, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर इतना अध्ययन किया है, इतनी मेहनत मशक्कत की है कि उनका पूरा काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के मुखालफत करना है, यानी कि क्या, और यही इसी में जीत है, इसी से हमारे हमें जो जो नसीहत मिलती है और उनकी पार्टी को और जनता को कि क्या है कि उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। हम बात करते हैं तो बताते हैं, चाहे वो अन्नदाता हो, चाहे वो हमारी महिलाएं हो, चाहे गरीब से गरीब हो, उनके लिए क्या हुआ है और क्या किया जा सकता है, क्या आगे का रोड मैप है। अगर जरा सी भी जितनी मेहनत राहुल गांधी जी ने की है और उनके साथियों ने की है, रोहन जी जैसे लगातार गाली गलौज बकनी करने की मोदी जी के खिलाफ या भाजपा के खिलाफ और बताने की, और जो नकारात्मक राजनीति की है उन्होंने, लोग उससे पीड़ित हैं, लोग चाहते हैं सकारात्मक राजनीति हो, और इसीलिए जो इनकी भी बनी बनाई सीटें थी जहां पे इनको बहुत ही शौक और गुरूर था कि वो हमारी है, आप देखेंगे वहां से भी छठ की सीटें आएंगी और भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएंगी, क्योंकि लोग समझ गए हैं कि इनके पास सिर्फ नकारात्मक राजनीति और मोदी जी के खिलाफ अपशब्द ही हैं, कोई भी सटीक और मजबूत प्रोग्राम या एक एक कोई रणनीति देश में लोगों तक पहुंचने की नहीं है। क्या संदेश जाता है, आपका चैनल इतना बड़ा चैनल है, इन्होंने एक बार भी बताया कांग्रेस क्या करेगी, एक बार भी नहीं, सिर्फ भाजपा की बुराई, और यही इसी यही कारण है लोग जब देखते हैं, लोग जानते हैं ये मोदी ही है एक शख्स जो कुछ करके दिखाएगा जिसके वजह से हमारे घर में बेहतरी होगी। और आप एक एक करके देखिए, जो भी हमारी जो आप देख रहे हैं जी, इस राजनीतिक संदेश है हम लोगों के पास जा रहे हैं और बता रहे हैं, ये हमारा वादा था, ये हमने किया है, ये हमारी प्रॉमिस थी, ये हमारी डिलीवरी है, और इस डिलीवरी की वजह से लोग एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार फिर से ये सोचकर कि मोदी की गारंटी है, हाँ। ये इंसान भला है, इसको वोट देंगे तो हमारा पैसा हमारे घर में आएगा, इनको वोट दे देंगे तो हमारा पैसा इनके खुद के खानदानों के घर में जाएगा, ये अंतर है। और इसीलिए रोहन जी के पास कोई भी जवाब नहीं होता है, आर और पार में 400 पार इधर है और आपका 40 आर यानी कि इस तरफ 40 से भी कम सीटें मुझे लगता है कांग्रेस को मिलेगी। और उसके के बारे में अगर जरा सी मेहनत कर लेते राहुल जी तो उनके पार्टी के साथ कम अन्याय होता। ठीक है, तो आसिफ खान साहब एक बार मैं आपके पास आना चाहती हूँ, फिर अरविंद जी आपके पास। तो आसिफ खान साहब, कई मुद्दों पर आप लोग बीजेपी को घेरते, घेरना भी चाहिए, मणिपुर की गूंज हर रोज सुनाई देती है और सुनाई देनी भी चाहिए, लेकिन संदेश खाली पर क्या, वहां पर अगर लोकल महिलाएं ये आरोप लगाती हैं और उधर वो शाहजहां को डिफेंड करते हुए ममता बनर्जी दिखाई देती है, आखिर क्या ऐसा हो गया है कि आप लोग महिलाओं की बात सुनने को तैयार नहीं है? ये मामला यौन उत्पीड़न का है साहब, आप लोगों ने मजाक बना रखा है, ये उनका उनका उनके स्टेट का है, मतलब महिला हैरासमेंट ऑफ वुमेन, क्राइम अगेंस्ट वुमेन को भी आप लोग बीजेपी स्टेट, नॉन बीजेपी स्टेट के चश्मे से देखते हैं और एक मुख्यमंत्री उस पर एक्शन लेने को तैयार नहीं है। अंजना जी, पहली बात तो ये कि पूरे देश में एक अकेली महिला मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, और उनसे ये कहना कि वो एक वुमेन एट्रोसिटीज के अगेंस्ट में मजाक के तौर पर लेंगी, ये अपने आप में एक गलत सोच है। पहली बात कि जब ये मामला संदेश खाली का सामने आया तो ममता बनर्जी ने सबसे पहले एक अपने 10 पुलिस ऑफिसर, सीनियर पुलिस ऑफिसर जो कि लीड कर रही हैं, जिनको DSP DIG रैंक के ऑफिसर जिनको लीड कर रही हैं CID की, सारे के सारे 10 महिला पुलिस ऑफिसर्स हैं, इनको उन्होंने भेज दिया संदेश खाली में। दूसरी तरफ उन्होंने स्टेट वुमेन कमीशन के टीम को भेजा। तीसरी तरफ उन्होंने डेलीगेशन भेजा है तृणमूल के जो सीनियर MLAs हैं असेंबली के, उनको भेजा है, और जो स्टेट पुलिस को जहां पे देना चाहिए, जो बंदोबस्त करना चाहिए, वो उन्होंने करके रखा। अब ऐसा बंदोबस्त किया गया है, पहली बात कि जब ये मामला सामने आया तो इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जो कि पुलिस पार्टी वहां पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन इसका राजनीतिक मुद्दा बना करके देश में, बंगाल स्टेट में, संदेश खाली में दंगा करना, ये भी रोकने की जिम्मेदारी ममता बनर्जी पे है। तो ये जो बीजेपी के नेता वहां बार बार इसको पॉलिटिसाइज करके वहां घुस करके माहौल खराब करने की बात कर रहे, ममता बनर्जी ने असेंबली में कहा कि सरस्वती पूजा के टाइम पे ये पूरा कॉन्स्पिरेसी था, RSS की टीम वहां पर मौजूद है, उनका बेस है, पूरा कॉन्स्पिरेसी था माहौल खराब करने का, जिसको ममता बनर्जी ने रोका। आप देखिए कि डोर टू डोर विजिट कर रही है,
विमेन, ऑल विमेन पुलिस है ये, 10 पुलिस की टीम है ये, 10 पुलिस मेंबर की टीम डोर टू डोर विजिट कर रही है संदेश खाली में, और उनको अब तक सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का कंप्लेंट नहीं है। हाँ, दूसरे कंप्लेंट है, 17 अरेस्ट किए गए हैं इस मैटर में। हम फिर आप कैसे कह सकते हैं कि भाई हम मजाक में ले रहे हैं? क्या स्टेट वुमेन कमीशन को भेजना, 10 महिला पुलिस ऑफिसर की टीम को बना करके फौरन वहां पे भेजना इन्वेस्टिगेट करने के लिए, क्या ये मजाक की बात है? आप बोले कि एक डेलीगेशन तृणमूल की तरफ से भेजा जा रहा है, क्या ये मजाक की बात है? तो फिर इस तरह के इल्जाम बीजेपी तो केवल अपने राजनीति के लिए लगाती है ना। जवाब दीजिए, बीजेपी को यहाँ पे सिर्फ एक राजनीति करना है। जवाब दीजिए इसका। देखिए, मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है अंजना जी, मेरी 10 बजे ये कहना है आपसे। देखिए, नेशनल कमीशन ऑफ विमेन की जब इंक्वायरी टीम गई है, औरतों ने लिखवाया है, संदेश खाली ग्रामवासी नाम से जो जॉइंट स्टेटमेंट गया है उसमें बाकायदा रिपोर्ट्स हैं, और रिपोर्ट जब करके औरतें वापस आती हैं, लौट कर आती हैं, कहती हैं, हाथ पैर जोड़ती हैं और कहती हैं मेरा नाम हटा दीजिए। क्यों पूछा जाता है, क्यों आप नाम हटाना चाहती हैं, रिपोर्ट वापस लेना चाहती हैं? बताएं वो औरतें क्या कहती हैं, हमें अपनी जान का खतरा है। शाहजहां अभी भी फरार है, दोनों साथी उनके अभी भी फरार हैं। जिस तरह की बातें आ रही हैं, और क्या जवाब दिया जाता है ममता बनर्जी की तरफ से, और उनकी नई नई जो राज्यसभा की सांसद बन गई है, क्या जवाब दिया जाता है? अरे, रेप नहीं हुआ है, थोड़ी बहुत लूटमार हुई है, थोड़ा मोलेस्टेशन हुआ है, थोड़ा उनके साथ बदसलूकी हुई है। हाँ, उनको टीएमसी के दफ्तर में डाला गया है, पर बलात्कार नहीं हुआ है, थोड़ा छेड़छाड़ी हुई है। सोचिए क्या सोच है, मतलब मुझे यकीन नहीं आता इस दौर में, इस वक्त हम ऐसी बात कर रहे हैं कि बाकायदा ये कहा जाता है रिपोर्ट में कि नहीं, बलात्कार तक बात नहीं आई थी, उसके थोड़ा नोच खसोट हुई थी, गाली गलौज हुआ था, कुछ महिलाओं को धमकाया गया था, कुछ को निकाला गया था, कुछ को दफ्तर में डाला गया था टीएमसी के, हाँ उनसे थोड़े मीनियल काम, झाड़ू पोछे के काम कराए गए थे, लेकिन रेप नहीं हुआ था। ये सोचिए, ये जवाब आ रहा है, और वो औरतें रो रो के कह रही है, इतने वीडियोज हैं उसके, और सब कहा जा रहा है वो झूठ बोल रही है। आप साथ ना दीजिए, लेकिन कम से कम उनको झूठा तो नहीं करार दीजिए। महिलाएं हैं, बुरी हालत में हैं, और मुझे लगता है इतनी शर्मनाक ये बात है। बार बार आपने जब कहा है ब्रजभूषण के बारे में, हम लोग बोले, हम लोग ने कहा है नहीं, पूरी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, और अब आपके सामने तौसीफ जी, आपके सामने आप देख रहे हैं, एक नहीं, दो नहीं, 20 महिलाओं के बाकायदा रिकॉर्डेड बयान आ रहे हैं सामने, और आप उन्हें झुटला रहे हैं, और कितनी बुरी हालत में वो औरतें हैं, और बार बार वो गुहार लगा रही हैं, लेकिन शाहजहां फरार है। ऐसी क्या मजबूरी आपकी है कि आपको गुंडों का पालन पोषण करना पड़ रहा है, उनको संरक्षण देना पड़ रहा है? आप सोचिए इस बात को, गौर कीजिए तौसीफ जी। मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसी बात को डिफेंड करेंगे। ठीक है, ठीक, जो टारगेट सेट हो रहा, देखिए जो अभी के मुद्दे रहते हैं वो डिसाइड करते हैं, बहुत सारे वोटर्स फेंस सिटर्स भी होते हैं अरविंद जी, और उनकी नजर रहती है कि हमें किस तरफ जाना है, कौन सी पार्टी उनको ज्यादा कन्विंसिंग लगती है। पश्चिम बंगाल ही देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में पिछली बार 18 सीटें बीजेपी जीती थी और दूसरी तरफ 24 सीटें गई थी टीएमसी में। क्या कमाल यहां पर हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने टारगेट पीएम ने बहुत बड़ा दे दिया है ना, ये क्या बात है, कहां से होगा, कौन से स्टेट में पड़ेगा? अगर मैंने हायर टारगेट फिक्स किया है तो उसमें किसी को क्या, आंध्र प्रदेश में कितनी सीटें आ जाएंगी? 25 सीटें वहां पे सीटें नहीं आनी, नहीं आई पिछली बार भी। सबसे बड़ा ग्राउंड अलायंस का हो सकता है, अगर सुनिए तो जगन मोहन रेड्डी को इधर ले आए या चंद्रबाबू नायडू को ले आए, तब होगा। कह रहा था सबसे बड़ा ग्राउंड ये है, फील्ड खाली पड़ी है, बिल्कुल खाली पड़ी है फील्ड। इन लोगों ने ये तय किया था कि अगर मोदी को हराना है तो सब इकट्ठे होना पड़ेगा, नंबर वन, और 1-to-1 देना पड़ेगा। क्या हुआ उसका, एक एक करके, पहली बात तो बन ही नहीं पाया गठबंधन, नाम दिया इन्होंने इंडी, बस उसके बाद कुछ नहीं हो पाया। नीतीश कुमार जो इसके फाउंडर थे, जो बड़े शिल्पकार थे, ये बनाया इन्होंने, चले गए। अच्छा चिराग जी, नीतीश बाबू पे बोल रहे, चिराग जी हमने सुना अंदर से नाराज, मतलब ठीक है, नाराज हो गए। अब सबसे पहले 2014 से लगातार साथ सीट शेयरिंग हो गई, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, सब जो हमारी तय है वो आपको मिल जाएंगी, हमें कोई मिल जाएंगे, बिल्कुल मिलेंगी, पहले बात कर डंके की चोट पे मिलेंगी। अच्छा, आइए, नीतीश कुमार चले गए, ममता जी चली गई, केजरीवाल ने अनाउंस कर दिया, RLT के जयंत बाबू चले गए, आ गए, बोलिए आपकी तरफ, गठबंधन से चले गए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। फारूक अब्दुल्ला साहब चले गए, उनसे पूछा गया इंडिया में आएंगे तो चुप रह गए, बोले कुछ भी हो सकता है, स्टेटमेंट दिए कि मैं आ रहे, उन्होंने कहा स्टेटमेंट लड़ूंगा, उसके बाद आप देखिए क्या होने वाला। अच्छा, ये शरद पवार थे महाराष्ट्र में, ये भी कांग्रेस में मर्ज हो गए, नहीं हो गए। तो हम ये कह रहे हैं कि जब फील्ड ही खाली पड़ा है
तो 400 का टारगेट तो आएगा, आप पूछो क्यों आएगा। अब उसमें भी थोड़ा सा बोल देता हूँ, इसमें कोई काट नहीं है इनके पास। राम मंदिर, G20 की सफलता, 370 ट्रिपल तलाक, 268,000 किसान सम्मान निधि दी है हमने 14 किस्तों में, 80 करोड़ के लोगों के मुफ्त राशन की व्यवस्था पिछले 5 साल से कर रहे हैं हम लोग, जो कहा है वो कर रहे हैं, 11 करोड़ शौचालय बना चुके हैं। सबसे ऊपर क्या कहा था, राम मंदिर, अरे कमाल है, मैं पूछ रही हूँ, उसकी सुनामी है, सुनामी है राम मंदिर की। देखिए एक बार 80 में कितनी उत्तर प्रदेश, 80 में 80 टारगेट है और 80 आएंगी उसमें। देखिए टारगेट फिक्स करना, ये कह रहे जी आपने टारगेट क्यों फिक्स कर दिया, आपने तो टारगेट ही नहीं फिक्स किया, पूछा आपने बार बार, टारगेट ही नहीं बताया था, तो कैसे लड़ोगे आपसे। और सबसे बड़ी बात क्रेडिबिलिटी, पॉलिटिक्स में मोदी की विश्वसनीयता क्रेडिबिलिटी है और मोदी की जो गारंटी है वो है। और एक सवाल और आखिर में, क्या मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नजर आ रही है कहीं आपको, किसी जनता से पूछ लो, कहीं नजर नहीं आ रही, कहीं कुछ नहीं, प्रो इनकम्बेंसी। राहुल गांधी एक भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं, दूसरा भारत जोड़ो न्याय यात्रा वो कर रहे हैं, फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कांग्रेस में एक टारगेट देने का। एक एक आंकड़ा तो बताइए कि हम लोग इतना पाएंगे, कुछ तो आप लोगों के लोग भी बैठते होंगे ना इस तरह से पेपर लेकर टीम, कि हर स्टेट में कितने नंबर्स आएंगे। रोहन जी पेपर से ज्यादा पल्स को ढूंढना जरूरी होता है और हमको मालूम है देश की पल्स क्या है। और अरविंद जी बेचारे बहुत अच्छे प्रवक्ता, अंजना जी एक बात कहना चाहूंगा, अंदर की बात है कि मोदी जी ने अरविंद जी जो 30-60 सीटों का जो टारगेट एनडीए के लिए बनाया है ना, उसमें आपके गुट की नहीं है, जरा ध्यान रखिए, या तो फिर अरविंद वाजपेयी के अंदर में एलजेपी ब्रैकेट में पी ना हो जाए और पारस का, जरा आप अपनी सीट संभालिए, मोदी जी की सुनामी में आपकी सीट ना चली जाए, पहली बात। दूसरी मजाक की बात कर रहा हूं, अरे अरविंद जी मजाक की बात कर रहा हूं, मेरी बात खत्म कर लू। अंजना जी यहाँ पे कभी हम लोग देख रहे हैं कि बीजेपी बात कर रही है 400 पार, ये अहंकार आप देखिए, आप जो गारंटी की बात कर रहे हैं, 2 करोड़ नौकरियों हर साल देने की बात तो किसकी गारंटी थी, किसानों की आय दुगना करने की बात किसकी गारंटी थी, हर भारतीय को घर देने की बात किसकी गारंटी थी, 5 ट्रिलियन की बात किसकी गारंटी थी, 15 लाख वापस आने की कौन सी गारंटी, आप देश को बताइए, आपकी अकाउंटेबिलिटी बताइए। अभी इन्होंने कहा कि राम मंदिर की लहर चल रही है, असली जो जो चैलेंज है देश में राम राज्य लाने की है, जहां पे कोई बेकार ना हो, जहां पे महंगाई ना हो, हर आदमी को नौकरी मिले, देश में जो जो शांति का माहौल हो, आप ला पाए राम राज्य, आप तो भाई को झगड़वा के अपनी सत्ता की जो रोटियां सेक रहे, देश समझ रहा है इन चीजों को अंजना जी, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये जो हवा हवाई इनकी है। देखिए अंजना जी, किस बेसिस पे बीजेपी अपना 400 का टारगेट रखती है, वो उनका बेसिस है कि ये रिकॉर्ड कांग्रेस का रहा है 1984 में, इसलिए वो भी ये रिकॉर्ड बनाएंगे, उनके लिए एक गेम है। और अगर ये गेम है इतना इनके लिए, अगर इनके अंदर में एरोगेंस है तो वही बता दें कि कैसे ये करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप देखें पंजाब इनके हाथ में रहा नहीं, आप देखें तमिलनाडु में इनका कुछ होने वाला है नहीं, केरला में इनका कुछ होने वाला है नहीं, नंबर कैसे लाएंगे, केरल आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में कौन आ रहा है आपके साथ, जगनमोहन रेड्डी या चंद्रबाबू नायडू, कौन आ रहा है शाजिया जी, कुछ तो बता के जाइए, चाहे वो तमिलनाडु, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो या तेलंगाना हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, जो जो वोटर जाएगा वोट डालने के लिए और सोचेगा कि हमारा प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, तो पहले तो कहते थे देयर इज नो अल्टरनेटिव टीना फैक्टर, अब सोचिए कितना भयावह वो दृश्य है कि अगर कोई सोच ले कि वो रीटा फैक्टर अगर आ जाए, कि राहुल इज द अल्टरनेटिव।